अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपसे चपले कबाब सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये सबसे पहले हमने लगाई है मायनीज, उसके बाद लगाएंगे नेशनल का चिली गार्लिक सॉस और नेशनल इमली सॉस। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये ऐसे इसको अब हम सब पूरी ब्रेड पे फैला देंगे, उसके बाद इसके ऊपर कबाब लगाएंगे। इंशाल्लाह चपले कबाब की रेसिपी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। मैं तो ऐसे बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब बनाना हो तो झटपट बनाए और खा ले। इसके ऊपर सलाद भी लगाएंगे। ये 2 मिनट में बहुत अच्छी झटपट सी रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे चपले कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। ये इस तरह से इसको दरमियान से फिर कटिंग कर लेंगे। सलाद लगने के बाद जो हम इसके ऊपर ब्रेड का दूसरा स्लाइस लगाएंगे, उसके ऊपर भी ऐसे ही मायनीज लगाएंगे, चिली गार्लिक सॉस और इमली का नेशनल वालों का सॉस। जी ऐसे, ये ऐसे उसके ऊपर हम रख के ऐसे प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम इसकी साइड पलटेंगे इस तरह से और फिर इसको गर्म करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये कितना प्यारा और कितना डिलीशियस लग रहा है। ये बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत आसान, बहुत जल्द तैयार होने वाली है। ये देखें, ये बहुत टेस्टी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे।